What's up friends and welcome to my new vlog. आज वेंसडे है और वीकेंड सिर्फ 3 दिन अवे है. वैसे तो सिर्फ 2 दिन अवे है बिकॉज फ्राइडे को भी मैं वीकेंड टाइप ही मानता हूँ. जब फ्राइडे आता है तो फुल वीकेंड वाइब्स आ जाती हैं. सब लोग इनफैक्ट ऑफिस में भी ऐसे हो जाते हैं कि यार आज क्या काम करना क्या काम करना. पर काम तो करना ही पड़ता है, बट स्टिल दिल को ऐसी तसल्ली मिल रही होती है कि कोई बात नहीं, बस कुछ घंटे और कुछ घंटे और. अभी तो ठीक है यार, वेंसडे है, अभी कुछ दिन और टाइप है. आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया और इतनी खुशी हुई मेरे 5:30 बजे उठ के कि मैंने सुबह से कुछ किया ही नहीं. मैं बस खुशी में यार सही है 5:30 उठ गया, काय को खाना दिया और उसके बाद से बैठा हूँ. बस मैंने अपने इसका वॉलपेपर चेंज किया, उसके बाद से स्पाइडर मैन ये मैंने ही बनाया है. वैसे सुबह से लाइट नहीं आ रही है. जब मैं उठा तो देखा कि एसी नहीं चल रहा है, तो ऊपर रियलाइज़ हुआ कि ऑब्वियसली या तो बहुत ठंड की वजह से जानों ने ऑफ कर दिया था या फिर लाइट नहीं आ रही है. ये इस मीटर में लाल लाइट जल रही है ना, इसका मतलब है लाइट नहीं आ रही है, पावर बैकअप चल रहा है. कल मैं जब बाल कटवा के वापस आया तो देखा कि जानू एक ब्रांड न्यू टीवी सीरीज देख रही है जो मैंने बिल्कुल नहीं देखी है. तो मैंने वही किया जो मैं करता हूँ, मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया. मैंने इतने सवाल पूछे कि उसने थोड़ी देर में बोल दिया कि यार तो आप लो आप ये रिमोट एंड आप कुछ और चला लो, क्योंकि मैं बैठ के यहाँ जवाब नहीं दे सकती. तो आई थिंक ये एक अच्छी ट्रिक है, अगर वो कुछ देख रही है एंड मुझे वो नहीं देखना है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट टाइम से. और भाई क्या चल भाई, भाई क्या देख रहा है भाई? सुंदरवंस प्राइम पे शो है सास की आत्मा बहू का खात्मा. तो ये तीन औरतें कौन है? 3-2 चल रहा है भाई, क्या करेगा छोड़ना. मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर में, तू देख लियो. चल ठीक है, थोड़ा बहुत बता दूंगा. ये देख, ये सास है, ये बहू है और ये उसकी बहू है. तो ये इसकी सास हो गई और ये उसकी सास हो गई, ये सासू सास हो गई, समझ रहा है? ये तीनों सास बहू का गेम खेलती रहती है आपस में. तो इसकी आत्मा निकलेगी जब ये मर जाएगी, बट अभी इसकी जो सास है उसकी आत्मा निकली हुई है, ठीक है? तो वो उसको परेशान कर रही है और वो उन दोनों को थोड़ा थोड़ा परेशान कर रही है. लेकिन वो जो है सबसे छोटी वाली है वो उसकी हेल्प करने जाती है, समझ रहा है? ये जेस्ट है मतलब शो की. तो ये आंटी कौन है जो भी आई है? ये उसकी चाची है जो उसके घर आई हुई है बहुत सालों बाद. भाई ये तो अंकल लोग कौन है? ये उसका बाप है और ये उसका पोता है. ये उसके पति का बेटा है यार, ये पति नहीं दूसरे पति का यार. ये उसकी दादी की बेटी है दूसरे पति से, ये जुड़वा है ना. की स्कीम है कि वो उसके रसोई में तेल गिराएगी, वो तेल गिराने से पहले ही सारा तेल पी गई यार. देख उसने उस पर गुस्सा किया तो उसने उसको चाकू मार दिया, साफ सीधी बात. यार देख तुझे नहीं समझ आ रही तो तू अपना देख लेना यार, एक काम कर भाई तू देख ले. मैं बहुत मैं परेशान हो गया यार ये ले. भाई मैं समझान चाहता इतना, मैं जा रहा हूँ. एडिटिंग खत्म करने के बाद व्लॉग्स का जस्ट अभी नया एपिसोड अपलोड किया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इसके बाद उसको भी जरूर देखना. और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. दोस्तों जब ऑफिस जाना होता है तो सुबह सुबह सबसे बड़ा टास्क जो मेरे लिए होता है वो होता है कि डिसाइड करूं कि क्या कपड़े पहनने हैं. बहुत देर विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ये शर्ट पहनने वाला हूं. अब इसको प्रेस भी करना है तो चलो फटाफट से तैयार हो जाते हैं ऑफिस के लिए. तो दोस्तों मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ. अब फटाफट से काय को खाना दे देता हूँ, अपना सामान ले लेता हूँ और घर से निकल जाता हूँ. बादाम खाना नहीं भूल सकता. कुछ दिन में गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा. अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं ऑफिस के, 8 दिन और जाना है और उसके लायक तो पेट्रोल बिल्कुल नहीं है. देखो राजपाल यादव अपनी कैब्स की ऐड कर रहा है. वैसे तो इसकी शक्ल देख के सेफ्टी की फीलिंग कहाँ से आती है यार. इसको देख के तो लगता है भाई किडनैप कर लेगा यार. ये सारे लोग उल्टे आ रहे हैं यार, हद हो गई. मतलब घूम के नहीं आ सकते इतने सारे लोग उल्टे आ रहे हैं, हद हो गई है. ट्रिपली भी कर रखी उसने. बाइक वाले तो फुल पावर चिपका के खड़े होते हैं, कभी कभी तो डर लगता है कि भाई चिपका ना दें. ये मैट कोटिंग कितनी सेक्सी लग रही है वरना पे. ओहो भाई की गाड़ी पे थोड़ा सा डेंट पड़ा हुआ है. ऑफिस के रास्ते की एक अच्छी बात यह है कि सीधा रास्ता है, कोई रेड लाइट्स नहीं है. बट एक खराब बात यह है कि स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज्यादा है.
पार्किंग पार्किंग पार्किंग, कहीं पार्किंग नहीं है यार, पूरी फुल है, देखो कितनी आगे तक फुल है। मैं ऑफिस पहुंच गया हूं एंड मुझे जस्ट अभी याद आया कि मैं अपने एयरपॉड्स घर पे ही भूल गया हूं, तो मैं गाने नहीं सुन पाऊंगा अब काम पे। चलो अब चलते हैं, आपसे 6 घंटे के बाद मिलता हूं दोस्तों। दोस्तों फाइनली ऑफिस के 6 घंटे पूरे हो गए हैं एंड अब घर जाने का टाइम है। अभी जब मैं गाड़ी तक चल के आया था तो मैंने देखा कि एक फायर ड्रिल हो रही है एंड उसके अंदर वो सबको समझा रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स के वाटर हैं उनके पास एंड कैसी सिचुएशन में उनको कैसे हैंडल करना चाहिए अगर आग लग जाती है। जैसे कि आपको पता है आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो जब मैं ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑफिस में भी हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गया हूँ। मैं अपनी आँखें बिल्कुल नहीं टच की, यूजुअली ऐसे मतलब मन करता है तो आँखें रब कर लेते हैं, बट मैंने बहुत ध्यान रखा कि मैं अपनी आँखें बिल्कुल टच ना करूँ मतलब। तो आप लोग भी बहुत केयरफुल रहिए एंड अपनी आँखों को टच मत कीजिए एंड हाथ धोइए अपने सही से एंड आँखों को धोते रहिए टाइम से। यार आज तो बहुत ही क्रेजी जाम लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत आगे तक है। मैं फाइनली घर पहुंच गया हूं एंड मैंने घर आते ही सबसे पहले काय को खाना दिया। खाना देने के बाद जब मैंने उसको उठाया ताकि मैं उसकी आंखें साफ कर पाऊं, तो वो छटपट आने लगा एंड वो छटपट आके ऐसे कूद सा गया एंड कूद के वो मेरी शर्ट पे लैंड किया एंड सिंस उसके पंजे बहुत ज़्यादा शार्प हो रखे हैं, उसके नाखून बहुत शार्प हैं, तो ऐसे वो मेरी शर्ट को फाड़ता हुआ चला गया। तो मेरी शर्ट में 2 छेद हो गए हैं जहाँ पर उसके नाखून लगे थे। भाई देखो उसने मुझे भी नाखून मार दिया है। दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड घर पे दोपहर का इडली सांभर बना है, वो मैं लंच में भी लेके गया था एंड मुझे बहुत टेस्टी लगा आज वो, तो मन कर रहा है कि वो खा लूँ। बट जानू रस्ते में है एंड वो भी घर आने वाली है एंड उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, तो वो साथ में ही खाएंगे। जानू वापस घर आ गई है और आते ही उसने मुझे एक सरप्राइज़ दिया कि उसके पास है एक ब्रांड न्यू मैकबुक। कितना कूल लग रहा है यार ये मैकबुक, मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत मस्त होती है। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो तुम, कोई भी लैपटॉप, HP का हो गया, डेल का हो गया, मेरे पास वैसे डेल का लैपटॉप है और एक MSI का है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी इसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। एंड साथ में उसके पास है द मैजिक माउस। ये प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा लगता है मुझे बिकॉज इसके अंदर माउस को चार्ज करने के लिए नीचे से वायर लगानी पड़ती है आपको, मतलब ताकि मैं चार्ज करते करते इसको अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। बिल्कुल यहाँ से वायर लगाऊंगा और इसको ऐसे यूज़ करूँगा मैं, दी बेस्ट। पर काफ़ी सही है यार, मेरे को बहुत सही लग रहा है इसका डिज़ाइन भी, इवन दो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है बट इट लुक्स स्लीक एंड नाइस। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एप्पल वाज एमिंग टुवर्ड्स। जानू आपको आपका नया मैकबुक कैसा लग रहा है? देखो काम कर रही है मैकबुक पे। ठीक है। क्या ठीक है, मस्त नहीं लग रहा आपको? सांभर नहीं खाना था तो मैं उसके लिए ग्रिल्ड चीज सैंडविच बना रहा हूँ एंड वैसे बहुत सारा इडली सांभर भी नहीं था, सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा पेट भर जाए, तो मैं अपने लिए भी ग्रिल चीज़ सैंडविच बनाने वाला हूँ। घर वालों की दीवी ग्रिल बहुत काम आ रही है, जब से ये ग्रिल आई है तब से हमने आई थिंक मल्टीपल टाइम सैंडविचेस खा लिए हैं, वैसे तो हम सैंडविचेस खाते नहीं थे इतने ज़्यादा। अच्छा इसको बाद में ऑन करना होता है। ग्रिल चीज़ सैंडविच सबसे ईजी होता है वैसे बनाना, बहुत ईजीली बन जाता है, आपको बस चीज़ स्लाइसेस लगानी है ब्रेड में और उसके बाद थोड़े मसाले डालने, जैसे कि मैं भी डाल रहा हूँ। हम डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च दोनों पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज हमारी लाल मिर्च ना हम खुद पीसते हैं घर पे, तो ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में मिलती है ना आपको पैकेट्स में। और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डालने की आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ती है बिकॉज चीज़ वैसे ही इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है। अब दोनों के ऊपर एक ब्रेड लगाएंगे और इसको डाल देंगे ग्रिल में। जानू बोल रही थी कि उसको चिकन खाना है बट चिकन हमने कल ही खाया था, तो फिर आज मैंने बोला कि गोभी के परांठे खा लेते हैं, लाइट है, वैसे भी सैंडविचेस खा रहे थे तो भूख नहीं लग रही होगी हम दोनों को ही। अब हो गए हमारे सैंडविचेस बिल्कुल तैयार। हमने लाइटली ग्रिल किया है, बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं किया है इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रिल करो ना तो कभी कभार जल जाता है सैंडविच एंड जले हुए सैंडविचेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एंड अब हम देखने वाले हैं एक नई हॉरर मूवी बारबेरियन जो हॉटस्टार पे आई है। बहन ने इसके अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं तो आई एम वेरी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट अबाउट दिस मूवी। चलो देखते हैं कैसी है एंड सैंडविचेस तो अच्छे होने वाले हैं होपफुली। दोस्तों मैंने एक बारी में पूरी मूवी देख ली एंड क्या मूवी थी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि एक सिंपल सी हॉरर मूवी है बट जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस कर रही थी बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन ले लिया उसने, बहुत ही कमाल की मूवी लगी मुझे, मतलब डिफरेंट देन जो आप यूजुअली हॉरर मूवीज़ देखते हो उससे मतलब काफ़ी अलग थी ये।
इसके बारे में और आपको मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, जो कि मैं करूँगा कल, बिकॉज आज हो गया काफ़ी लेट एंड अब हो गया सोने का टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, एंड सी यू ऑल टुमारो।